एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। विधानसभा के चुनाव 3 फेजेस में होने जा रहे हैं और 3rd फेज के नॉमिनेशन की बात करें तो आज नॉमिनेशन जो है जम्मू वेस्ट के उम्मीदवार अरविंद गुप्ता जो है वो फाइल करने के लिए जो है यहां से निकले हैं। एक रैली की शेप में जो है आप देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर, अपने सपोर्टर्स को साथ में लेकर जो है अरविंद गुप्ता नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। 12 सितंबर को जो है नॉमिनेशन देने की अंतिम तारीख है। 13 सितंबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी और 17 सितंबर को नॉमिनेशन जो है वापस देने की आखिरी तारीख है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जोश में, काफ़ी उत्साह में जो है कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। अरविंद गुप्ता जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं और आज अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए जो है वो यहाँ से कूच कर रहे हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाकर जो है अपना नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल करेंगे। कई दिग्गज नेता जो हैं इस रैली में मौजूद हैं। अरविंद गुप्ता जो है वो जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है इनकी सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं और कई दिग्गज नेता जो है जम्मू में जितने भी उम्मीदवार हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है जम्मू में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो है अरविंद गुप्ता जो है यहाँ से निकल रहे हैं, एक रैली की शेप में निकल रहे हैं और मेरे साथ है जो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं अरविंद जी? आपने नितेश जी देखा होगा, लोगों का जन समूह मेरे साथ चल रहा है, लोगों का प्यार है जो जम्मू वेस्ट में अरविंद गुप्ता के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू का प्यार है। आपने देखा होगा कि जम्मू वेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अपने पहले भी 51,000 वोटों से जीती थी, इस बार जो वो हम रिकॉर्ड तोड़ के भारी रिकॉर्ड से कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतेंगे और हम जम्मू शहर का चौमुखी विकास करेंगे। आपने हमारा संकल्प पत्र भी देखा होगा जिसमें सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर को चौमुखी विकास की बात कही गई है और आपने बाकी NCPDP कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर एक उसको लेके एजेंडा है। हमारा जो संकल्प पत्र है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है, उनके जो इश्यूज़ हैं वो कश्मीर सेंट्रिक हैं। हमने विकास की बात की है, हमारे जो लोगों की पेंशन 1,000 रुपया थी उसको भाजपा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है तो वो लोगों की पेंशन 3,000 रुपये कर दी जाएगी। आपने मेडिकल सीट में 1,000 मेडिकल सीट्स और बढ़ाई जा रही हैं। युवाओं को रोज़गार के लिए जो रोज़गार के मुद्दे निकाले जा रहे हैं उनको रोज़गार कैसे दिया जाए युवाओं को, 5 लाख रोज़गार के लिए। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में विकास करेंगे और सबसे बढ़िया और बेस्ट कंपटीशन कोई नज़र आता है आपको? अभी आप देखो, आप सुबह से मेरे साथ चल रहे हैं, आपको कहीं पे किसी पार्टी का झंडा या किसी पार्टी का कोई व्यक्ति नजर आया? यहाँ पे जम्मू में अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वो हमेशा लोगों के बीच में रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता सेवक के रूप में भारतीय जनता लोगों के बीच में काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद गुप्ता जी। आप देख सकते हैं कि अरविंद गुप्ता जी आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो है निकले हैं और यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और अरविंद जी का दावा है कि वो बहुमत से जो है वो विजय का सहरा पहनेंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज।